सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जूम पर। कैसे हैं? बड़े फिट और तंदुरुस्त लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच यार, बस सिर्फ घुटना थोड़ा गया हुआ है, उसको लेके जरा परेशान अभी हूँ। जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाऊँ मैं। हाँ, क्योंकि बचपन से जो है पहले मैं हॉकी खेलता था और फिर भागता रहा हूँ, रनिंग का शौक रहा है, तो अब घुटना जवाब दे रहा है। ओके ओके तो सर द वाइल आ रही है डॉक्यूमेंट्री, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लोगों में और अवेयरनेस फैलेगी इस चीज़ से। सर सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको इसके लिए कब चुना गया और कैसे? नहीं, बस ये 3-4 महीने पहले की बात है। मेरे पास में चैनल और प्रोड्यूसर्स आए थे और उन्होंने इसके बारे में बताया था कि वो जो मेडिकल हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो साइंटिस्ट, इन लोगों ने जो मेहनत की और जो कंट्रीब्यूट किया वैक्सीन को लेके आने में और लोगों को सुरक्षित रखने में, तो अब ये डॉक्यूमेंट्री उनके लिए ट्रिब्यूट है और उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम बना रहे हैं। तो और उन्होंने दरख्वास्त किया कि सब लोग यही चाहते हैं कि आप कीजिए, तो मैंने अपनी हामी दे दी उसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 डॉक्यूमेंट्री को प्रेजेंट कर चुका हूँ, उसमें प्रेजेंटर रह चुका हूँ, सब बहुत सफल भी हुए हैं, चाहे सीक्रेट ऑफ सोनाली हो या कोहिनूर, ये सब बड़े सफल हुए। मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ये जानें कि पैंडेमिक के समय जब हम सब लोग अपने घरों में थे, तो हमारे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स और साइंटिस्ट क्या कर रहे थे उस समय। ओके तो सर 130 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एटलीस्ट वन डोज तो ले ही लिया है। 130 करोड़ ये बहुत बड़ा नंबर है सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि इंडिया में एक ये प्राउड की लहर है। जी, मतलब एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी भी है और एक डर और दहशत इतनी थी, लोग वेट भी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी कोई वैक्सीन आए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को वापस उस पटरी पे लेके आए। तो मैं तो जहाँ तक ये समझता हूँ कि वैक्सीन को लोग लगाएं, इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लोग ऑलरेडी जानते थे कि अगर वैक्सीन आ जाएगी तो हमें इस पूरे डर और दहशत से छुटकारा मिलेगा। तो लोग तैयार थे वैक्सीन लगवाने के लिए, और जैसे ही उनको ये सुविधा दी गई पास पास के सेंटर में जाके लगवाने की, वैसे ही जो है 1 महीने के अंदर में इतने सारे लोगों ने लगवा लिया था। जी, आपको कैसा लग रहा है सर इसका पार्ट होकर, कि कितना प्राउड फील? मुझे गर्व है कि मैं इस तरह के डॉक्यूमेंट्री का पार्ट हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो इतनी बड़ी त्रासदी को दिखला रहा है और जिसने कवर किया है। सर करीब 2020 में ये बीमारी हमारे साथ हमारे पास आई थी, और यू नो इस चीज़ ने इतना दहशत फैला दिया था कि लोगों ने कि वैक्सीन आई भी तो लोग एक टाइम पे सोच रहे थे कि लूँ नहीं लूँ, ये कन्फ्यूजन लोगों में था काफ़ी ज़्यादा कि वैक्सीन ये हामी ना कर दे हमको। कुछ लोग जो पढ़े ज़्यादा लिखे हैं या फिर जो नहीं भी हैं, वो भी लोग सोचते थे कि वैक्सीन क्या हामी ना कर दे, कुछ कुछ गलत ना कर दे, इस चीज़ को किस तरह से? देखिए, वो हमेशा जो है एक थोड़ा शक तो होता ही है, क्योंकि वैक्सीन जो है हर वैक्सीन को बनने में काफ़ी समय लगते हैं। ये वैक्सीन जो है बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में बनाई गई, पूरे विश्व में बहुत सारी जगह पे ये बनाई गई रिकॉर्ड टाइम में, और तो वो शक का आना लाजमी था, लेकिन धीरे धीरे वो सारे जो लोगों के डर थे वो और जो शक थे वो धीरे धीरे दूर भी हुए, ये भी एक सच्चाई है। बहुत सारे लोग वैक्सीन के फेवर में ही नहीं रहते हैं, शायद उन्होंने अभी तक नहीं लगवाई, तो लेकिन ज़्यादातर लोगों ने लगवाई, और जिसके कारण जो है हम आज आपसे बिना मास्क के बिना डर के एक दूसरे के हम लोग ये बातचीत भी कर पा रहे हैं। जी सर, सभी लोगों ने कहा था कि यू नो कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा, और कई लोगों ने अपने परिवार को खोया, जॉब खोई, सारी चीज़ें खो दी। सर कैसा फील हो रहा, क्योंकि हम सब अभी समय अलाइव हैं, खुले आसमान में सांस ले सकते हैं, हाउ डू इट फील्स? नहीं, फील्स ग्रेट, यू फील रिलीव्ड, इट्स लाइफ इज़ कमिंग बैक टू इट्स नॉर्मल सेल्फ, लेकिन उसके हमने बहुत खामियाजा भी भुगता है। इतने सारे लोगों ने जॉब खोया, इतने सारे लोग भुखमरी के कगार पे गए, आज देखिए कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्योंकि कंपनीज को लॉस बहुत हुआ, जिसके कारण कंपनी जो है बहुत सारे लोगों को अब नौकरी से हटाना पड़ा उनको, क्योंकि वो
वो उनको लगा कि वो नहीं उनको बेयर कर मतलब उनकी सैलरी को बेयर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा खामियाजा ही भुगता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे ज़िंदगी अब वापस से पटरी पर लौटने लगेगी, और मैं आशा करता हूँ कि सारे लोग अब इस बात को लेकर के ज़रूर सचेत रहें कि वातावरण जो है उसको बचाना, एनवायरनमेंट को बचाना, उसकी रक्षा करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, और अब इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लें जी। आप लॉकडाउन में क्या कैसे? मैं फंसा हुआ था, मैं उत्तराखंड में फंसा था पहले लॉकडाउन में, और दूसरे लॉकडाउन में भी उत्तराखंड में ही था, क्योंकि पहले लॉकडाउन में 3 दिन की शूटिंग हुई, फिर शूटिंग रुक गई, सब लोग चले गए, मैं अपने परिवार के साथ था, तो 4 महीने वहीं था। फिर दूसरे लॉकडाउन में भी मैं 4 महीने फिर वहीं पे था, फिर से शूटिंग करने गए थे, फिर लॉकडाउन हुआ था, और या तो फिर उत्तराखंड या फिर गोवा या फिर मेरे गांव। हम लोग लगातार दूर, हमने हमेशा कोशिश की कि हम बड़े शहर से दूर रहें, हम जितना दूर रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे। सर, हमारे देश ने 100 से ज़्यादा देशों की मदद की इस पेंडेमिक के टाइम पे वैक्सीन के थ्रू, ये मतलब भारत देश का जो एक अलग उपलब्धि है। पहले तो भारत देश को उतना नहीं मानते, लेकिन अब लोगों के मन में जो पूरी दुनिया के मन में भारत के लिए जो इज्जत है वो उसको नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब आपके पास कुछ भी एक्सेस है, अधिक मात्रा में है, तो उसको अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करना चाहिए, और चाहे वो वैक्सीन हो चाहे वो अनाज हो। श्रीलंका में भी इतना भारी रिसेशन हुआ, वहाँ पर भी हेल्प किया, तो और कई सालों से इंडिया हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क या अगल बगल के छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उनको हमेशा मदद करता रहा है। जी जी सर, हाल ही में एक बार फिर से आपका करिश्मा मैम के साथ रीयूनियन हुआ है सर, कैसा था वो एक्सपीरियंस, कुछ शेयर करिए, क्या क्या बातें आपके बीच में? हम लोग ने करीब 22-23 साल पहले जुबेदा फिल्म की थी, और जुबेदा फिल्म की स्क्रीनिंग थी, मैं तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये मैं हूँ। मैं और करिश्मा हम बस अचंभे में देख रहे थे एक दूसरे को स्क्रीन पे, कि और समझ नहीं आ रहा था कि वो सही है या ये सही है। तो ये एक कई साल के बाद मिले भी थे, अब मेरी बच्ची भी 12-13 साल की हो गई है, उसके बच्चे भी बड़े हो गए करिश्मा के, तो फॉर अस इट वॉज सो ग्रेट टू मीट अगेन एंड वॉच द फिल्म टुगेदर। तब से लेकर आप अपने आप में या फिर करिश्मा मैम में क्या कुछ चेंजेस देखते हैं? वी आर ऑल पेरेंट्स नाउ। नहीं, और कुछ चेंज नहीं, हम लोग काफ़ी ईजी हो गए हैं उम्र के साथ, आप और शांत हो जाते हैं। जब आपकी अपनी जवानी रहती है तब आपकी ऊर्जा अलग रहती है, अब आप शांत हैं, जीवन को अलग ढंग से देखते हैं। सर, हाल ही में पठान आई थी और काफ़ी ज़्यादा वो हिट हुई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई, काफ़ी दिनों के बाद बॉलीवुड ने कितनी बड़ी हिट दी है, सर ये कमबैक मानते हैं सर आप इसको? कमबैक नहीं, मतलब जो कोई भी फिल्म चलती है तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है, और मुझे खुशी है कि कुछ एक फिल्में चली हैं, कुछ थोड़ी चली हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा चली हैं, और कुछ ज़्यादा चली हैं, तो उनके चलने से कम एक अच्छा मैसेज जा रहा है दर्शकों के पास कि, और थिएटर ओनर्स के पास भी, कि चीज़ें धीरे धीरे अपनी पटरी पे वापस लौटेंगी। मैं भी आशा करता हूँ, दर्शक जो है वो घर के अंदर है, फैमिली जो हैं ज़्यादातर जा नहीं रही हैं, हाँ, तो जब भी कोई फिल्म चलेगी उससे उनका उत्साह बढ़ेगा बाहर आने का, थिएटर हॉल तक जाने का। गुलमोहर को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है सर, एक अलग कैरेक्टर आपका देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा लोग उस कैरेक्टर को सराह रहे हैं, आपने उस कैरेक्टर से क्या कुछ सीखा सर, और जो जिस तरीके से वो प्यार दिखा रहे हैं लोग, उस प्यार को किस तरीके से देखते हैं? गुलमोहर के कैरेक्टर से सीखना क्या, उसकी बेचारे की तो इतनी ज़िंदगी फंसी हुई है कि कोई ना उसकी माँ उसकी बात सुन रही है, ना उसके बच्चे उसका सुन रहे हैं, एक ऐसा फंसा हुआ आदमी। लेकिन उससे आप एक ही चीज़ सीख सकते हो कि सबको उड़ने दो, सबको फ्री करो, अपने जो चाहत है उससे किसी को बांधो मत, यही सीख सकते हैं। और जो प्यार मिल रहा है उसका मैं क्या बताऊँ, मतलब पहले दिन से जब से स्ट्रीमिंग शुरू हुई गुलमोहर की और आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
मैं कहीं भी जाता हूँ या सोशल मीडिया पे या आप मेरे जानने वाले या जो लोग नहीं भी जानते हैं, मेरा नंबर कहीं से इंतज़ाम करके यूएस से, कनाडा से, हिंदुस्तान के हर कोने से, हर जगह से जो है मैसेजेस सोशल मीडिया पे इधर से उधर से लगातार आ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि परिवार के लोग अब दिन तय कर रहे हैं कि इस दिन हम साथ में बैठ के देखेंगे। OTT पे कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिसे वो लोग साथ में बैठ करके देखें जो कि एकदम नया हो। और यहाँ पर एक नया, सिर्फ नया ही नहीं है, का फिल्म परिवार के बारे में, तो सब साथ में बैठ के देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, साथ में रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो गुलमोहर का सक्सेस होना जो है किसी और स्तर पर मेरे लिए बहुत ही कमाल है, बड़ी बात है। और सर, श्रीकांत तिवारी का काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं जी, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कब वापस आने वाले हैं? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सिटाडेल बना रहे हैं अभी ये लोग, राजन डीके, और स्क्रिप्ट लिखी जा रही है फैमिली मैन की। जैसे ही तैयार हो जाएगी और जो भी पहला दिन होगा शूटिंग का, मैं उस दिन से लगातार ट्वीट करूँगा कुछ ना कुछ फोटो में, ताकि लोग अब ये सवाल पूछना बंद कर देंगे जब मैं पहले दिन की शूटिंग से शुरू करूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब मैं सब जवाब दे दे के भी तंग आ गया हूँ और सवाल सुन सुन के भी तंग आ गया हूँ। सोशल मीडिया पे गुलमोहर बहुत अच्छी लगी सर, इट्स इज़ फैंटास्टिक, इट इज़ योर बेस्ट परफॉर्मेंस, फैमिली मैन कब आ रही है? तो ये मेरे ख्याल से सेकंड सीज़न जैसे ही लोगों ने ख़त्म किया उसके बाद से ये सवाल शुरू हो गए। एक लोगों ने तो इस तरीके से लिखना शुरू किया था कि अभी देख करके ये उठे और बहुत ही कमाल है ये, तो मेरा दिमाग उड़ गया, एक बार और देखूंगा। फैमिली मैन 3 कब आएगी? अरे भाई साहब, बनाने में लिखने में टाइम लगता है। और जिस तरीके से लोग फैमिली मैन का वेट कर रहे हैं, उसी तरीके से लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 का भी वेट कर रहे हैं जी, उनको क्या कहेंगे? और मुझे लगता नहीं है कि अनुराग कश्यप मूड में है गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बनाने के। अच्छा ही है अगर 3 बनाए तो कम से कम कुछ नई कहानी सोचे जिसमें मैं भी रह पाऊँ, क्योंकि मेरा कैरेक्टर तो मर चुका था। मेरा ही नहीं, दोनों पार्ट ख़त्म होते होते अमूमन सब लोग मर गए थे उसमें। जी जी, लेकिन जिस तरीके से उसको प्यार मिला था सर, आज भी लोग YouTube पर वो पूरी फिल्म है दोनों जी, जी। लोग आज भी इतना ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, देखते हैं, और जब भी वो फिल्म देखो ऐसा नहीं लगता कि ये कई बार हम देख चुके हैं, हर बार ऐसा लगता है कि पहली बार ही। जी जी सर, ये कल्ट फिल्म है। मेरे जीवन में कुछ एक फिल्में रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा अभी भी पसंद की जाती हैं, जो एक तरीके से कल्ट फिल्म का दर्जा ले चुकी, चाहे वो सत्या हो, शूल हो, या फिर आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर हो। तो ये सब फिल्में हर एक्ट के बहुत ही कम एक्टर की ज़िंदगी में एक कल्ट फिल्म होती है। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे ज़िंदगी में 3-3 फिल्में, 4-4 फिल्में हैं। सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। लास्टली, एनी मैसेज फॉर द फैंस? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो मुकाम, जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार कोशिश यही करता हूँ कुछ नया लेके आऊँ, ताकि मैं कभी आपको निराश नहीं करूँ। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रहिए, एंड प्लीज़ वॉच गुलमोहर ऑन हॉटस्टार अगर नहीं देखी है तो। और मेरी आने वाली फिल्म जो है वो है बंदा, जो जी के लिए है। आपके पास मैं जल्द आऊँगा फिल्म प्रमोट करने, और अभी से मन बनाइए ताकि आप बंदा देखिए और सबको दिखाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।